हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस को। तो अभी तक हम लोग 25 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और 25वां चैप्टर था उत्सर्जन तंत्र। इसमें बात करने वाले हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में। आपको फिर से बता देते हैं कि प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है जनरल साइंस के नाम से। ये सभी लेक्चर उसी में पड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। शरीर के एक निश्चित आकार एवं आकृति को कौन प्रदान करता है? कंकाल। कंकाल के मज्जागुहा क्या कार्य करते हैं? वसा एकत्रित करने का। करण अस्थियों को का क्या कार्य है? ध्वनि कंपन को आंतरिक करण तक पहुंचाने में सहायक होती है। कंकाल में क्या संचित होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। मेम्ब्रेन अस्थि किसे कहते हैं? कालाजात अस्थि को। रिप्लेसिंग बोन किसे कहते हैं? उपास्थि जात अस्थि को। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली अस्थियां क्या कहलाती हैं? कपाल। मनुष्य का कशेरुक दंड कितने कशेरुकों से मिलकर बना होता है? 33। फसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? स्टर्न। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी। आगे बात करते हैं। कंकाल में वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर हिलडुल सकती हैं क्या कहलाती हैं? संधि। किस प्रकार की संधि में संबद्ध अस्थियाँ बिल्कुल हिलडुल नहीं सकती? इस प्रकार की संधि को क्या कहते हैं? अचल संधि। किस प्रकार की संधियों को की अस्थियाँ केवल एक ही दिशा में मुड़ जाती हैं? हिंज संधि। कोहनी तथा घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि। करोटी की अस्थियों में कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि। अस्थि का मैट्रिक्स किसका बना होता है? ओसीन का। पैरों में कितनी अस्थियां होती हैं? 52। 52। जीवित अवस्था में अस्थि के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है? पैरा ओस्टियम। ठीक, अब बात कर लेते हैं। मनुष्य का कंकाल कुल अस्थियों की संख्या इसमें 206 है। ठीक, शरीर का भाग हो गया, अंतरा कंकाल भाग हो गया, प्रदेश हो गया, अस्थियों का नाम हो गया, रीजन की कुल अस्थियां हो गई और भाग की कुल अस्थियां हो गई। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय कंकाल, जिनमें है सिर, खोपड़ी, कपाल। ठीक है, पहला तो इसमें ऑक्सीपिटल एक, पैराइटल दो, फेंटल एक। रीजन की कुल अस्थियां इसमें 8 हैं। ठीक है, टेम्पोरल दो, स्फीनॉइड एक, एथमोइड एक, फ्रेफेसियल इसमें नेजल दो, ब्रोमर एक, टर्बाइनल दो। 14 इसमें रीजन की कुल अस्थियां हैं, 29 हैं भाग की कुल अस्थियां, लेक्राइमल दो, जाइगोमेटिक दो, पेलेटाइन दो, मैक्सिला दो। फिर करण अस्थियां इसमें मैंडिबल एक, मेलियस दो और 6 हैं इसमें रीजन की कुल अस्थियां। ठीक है, ये रीजन की हैं और भाग की। ठीक है, फिर एनकस दो, वाइड भाग, स्टिफिज दो, वाइड एक है इसमें और एक है रीजन की। ठीक है, फिर कमर की हड्डी, कसो रुख, गर्दन, सर्वाइकल कशेरुकाएं 7, वक्ष थोरेसिक कशेरुकाएं 12, कटी लंबर कशेरुकाएं 7, 5 सेक्रम सेक्रल कशेरुका में 1, 26 हैं रीजन अस्थियां और 26 हैं भाग। ठीक है, इसमें फिर कोडल कशेरुकु 1, पुच्छ कोक्सिक्स बच्चे में 4, वक्ष स्टर्न स्टर्म स्टर्म में 1 है
मुख्य और एक है सीजन और एक है भाग। फिर फसलियाँ, फसलियाँ हैं 24, 24 हैं सीजन वाली अस्थियाँ, 24 हैं भाग वाली। उपांगी है कंगाल, कंकाल। वक्ष में अंश मेखला, इसके फुला किले विकिल, दो किले विकिल में दो, चार हैं सीजन वाली और चार हैं भाग। कूला स्वर्णी मेखला, आइस आस इनो मिनेट्स, दो दो दो। अग्रबाहु ऊपरी बाहु ह्यूमरस, ह्यूमरस दो। अग्रबाहु रेडियो अल्ना, चार। कलाई कॉर्पल्स 16, हस्त मेटा कॉर्पल्स 10। अंगुलियां फेलेंजिस 28, 60 हैं इसमें सीजन वाली और 60 हैं मुख भाग। फिर पश्चपाद, जांग में फीमर दो। पिंडली टीबियो फ्यूला चार। घुटना पटेला चार दो। गुल्फ टखना टॉर्सल्स 14, 60 हैं इसमें वो सीजन और 60 हैं मुक्त। फिर तलुआ मेटा टॉर्सल्स 10। अंगुल अस्थियाँ कैलेंजिस 28, ठीक है, कुल है 206। तो ये था हमारा कंकाल तंत्र लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग जीव विज्ञान को ख़त्म कर चुके हैं, याद रखिए बायोलॉजी को। और आपको ये सभी चैप्टर जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में पढ़े हैं, ठीक है।